लॉकडाउन के दौरान पिछले 43 दिन से बंद शराब की दुकानें खोलना और अर्थव्यवस्था को देखते हुए शराब का बिकना कितना जरूरी था, इसको लेकर सभी की अपनी अपनी राय है। मसलन कई राज्यों की अर्थव्यवस्था ही शराब के भरोसे चल रही है। आरबीआई ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी के लागू होने के बाद से राज्य सरकारें आबकारी की कमाई से अपने राजस्व का 10-15% इकट्ठा करती हैं। राज्यों के राजस्व में शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी कि आबकारी शुल्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। शराब और पेट्रोल डीजल के जीएसटी से बाहर होने पर राज्य ही इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20%, करीब इतना ही राजस्व उत्तराखंड से भी आता है। लॉकडाउन के चलते पिछले 43 दिन से शराब की बिक्री बंद थी, सो इस कारण राज्यों की कमाई एक तरीके से बंद हो गई थी। वित्तीय हालत खराब हुई तो कई राज्यों को 1.5-2% ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ गया। वहीं पंजाब की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा और पंजाब में शराब के ठेके खोलने की अनुमति मांगी। कैप्टन ने इसके पीछे खराब हो रही वित्तीय स्थिति का ही हवाला दिया था। चलिए अब नजर डालते हैं राज्यवार के आंकड़ों पर। तो 2019 में महाराष्ट्र ने 24,000 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया, उत्तर प्रदेश ने 26,000 करोड़, तेलंगाना ने 21,500 करोड़, कर्नाटक ने 20,948 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल ने 11,874 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया, जबकि राजस्थान ने 7,800 करोड़ रुपए और पंजाब ने 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया था। वहीं दिल्ली ने भी साल 2019 में ही करीब 5,500 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क हासिल किया था। राज्य के कुल राजस्व का ये करीब 14% है। तो समझा जा सकता है कि लॉकडाउन के लगने से शराब की बिक्री खोलने को लेकर सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव था। अब जब 4 मई से लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ और साथ ही कुछ शराब की दुकानें भी खोली गई, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आय फिर से शुरू हो पाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।